पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कारवाड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जबकि सड़क पर गिरने से एक सिपाही जख्मी हो गया। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर 22 मई को एक फैक्ट्री के गार्ड से लूटपाट की थी। पुलिस के मुताबिक पागबड़ा थाना क्षेत्र के मालीपुर गांव निवासी गुरविंदर धारीवाल बिजनौर के नूरपुर में एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड हैं। 22 मई की रात वो ड्यूटी पूरी करने के बाद स्कूटी से घर लौट रहा था। गिन्नौर दी माफी के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने रोही की रॉड और चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद बदमाश गुरविंदर की चेन और कड़ा लूट कर फरार हो गए। पागबड़ा पुलिस और एसओजी बदमाशों की तलाश में जुटी थी। घटना में कुंदरकी थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव निवासी अशोक और उसके साथी का नाम सामने आया था। पुलिस को शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे पागबड़ा क्षेत्र में उमरी सब्जीपुर गांव के जंगल में बदमाश के होने की सूचना मिली। पागबड़ा पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लगी और वो मौके पर ही गिर गया। 22 मई की रात्रि में थाना पागबड़ा क्षेत्र में गिन्नौर द माफी गांव के बाहर एक दुबेंद नाम के व्यक्ति से लूट की घटना हुई थी। दो बाइक सवार लोगों ने पीछे से उस पर आके हमला किया था और उससे सोने का कड़ा, उसकी अंगूठी, उसका मोबाइल, ये सामान उससे लूट कर ये लोग ले गए थे। इस पर अभियोग पर जिक्र किया गया था। इस पर हमारी पागबड़ा पुलिस और सीओ हाईवे के निर्देशन में पुलिस ने तेजी से काम किया था और इसमें इस घटना के अनावरण पुलिस को सफलता मिली थी कल। इसमें एक अंकित नाम का व्यक्ति जो इसी व्यक्ति के साथ में इसकी फैक्ट्री में काम करता था, उसने अपने एक अन्य साथी संतोष के साथ मिलकर, ये दोनों ही हुसैनपुर थाना कुंदरकी के रहने वाले हैं, इन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये इसने जो अंकित है इसने रेकी की थी इस घटना की, कैसे व्यक्ति कहाँ जाता है निकल के, और इसकी फैक्ट्री से इसका पीछा करते हुए उसने घटना कार्य की थी। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसने गिरफ्तारी के दौरान इससे सामान भी लूट का बरामद हुआ। इसने अपने निसाथी का नाम इसमें बताया तो संतोष की गिरफ्तारी के लिए, जो इसका निसाथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए रात्रि में जब पुलिस सक्रिय थी तो ये व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा था। कहीं से सूचना पुलिस को जब मिली, पुलिस ने इसको रोकने का प्रयास किया, इसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ है, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है और इस मुठभेड़ में एक पुलिस का सिपाही भी गिरने से घायल हुआ है। घायल बदमाश संतोष को जिला अस्पताल में जाके भर्ती कराया गया है, इसका उपचार कराया जा रहा है। इन दोनों अभियुक्त अंकित और संतोष, इन पर पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से ही घोषित था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।